दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज के जो वीडियो होने वाला है हमारा 10th क्लास और 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि जब हम अपना 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट चेक करते हैं तो वहां पर दोस्तों ग्रेस, सप्ली और फेल ये तीन चीज़ें लिखकर आती हैं। किसी स्टूडेंट के में लिख कर आता है ग्रेस, किसी स्टूडेंट के में लिख कर आता है सप्ली और किसी स्टूडेंट के में लिख कर आता है फेल। अब दोस्तों ये लिखकर क्यों आता है, ग्रेस, सप्ली, फेल का मतलब क्या होता है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। यानी कि ग्रेस कितने नंबर पर मिलता है, सप्ली कितने नंबर पर आती है और फेल कितने नंबर पर होते हैं, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रेस की बात कर लेते हैं कि ग्रेस हमें कितने नंबर का मिलता है, ग्रेस का मतलब क्या होता है। तो हाई स्कूल में 6 नंबर का और 12th क्लास में हायर सेकेंडरी में 5 नंबर का हमें ग्रेस मिलता है, जिसको हिंदी में कृपांक कहते हैं। अब एक स्टूडेंट है जिनका हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर लिखा है GRTH यानी कि ग्रेस। अब ग्रेस हमें कितने नंबर का मिलता है, मैंने आपको बताया कि 12th क्लास में हमें मिलता है 5 नंबर का और 10th क्लास में हमें मिलता है 6 नंबर का। यानी कि जब हम कोई ऐसा सब्जेक्ट हमारा जिसमें हम पास होने से, अगर आप 10th क्लास में पास होने से 5 नंबर से रह जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आप 12th क्लास में पास होने से 6 नंबर से रह जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाए, सॉरी 10th में 6 नंबर से पास कर दिया जाएगा। देखिए अब दोस्तों जो भी आपको ग्रेस मिलेगा ना, उस ग्रेस का यहाँ पर नाम लिखा गया होगा GRTH। देखिए ग्रेस इन थ्योरी, GRTH का मतलब होता है ग्रेस इन थ्योरी। अब आपको पता है कि ग्रेस इन थ्योरी, अब थ्योरी में हमें पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 22 नंबरों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर जैसा कि आपको सॉरी 27 नंबरों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए, थ्योरी में हमें पास होने के लिए 27 नंबरों की आवश्यकता होती है। अगर 27 नंबर से अगर हमारे कम आ रहे हैं तो हमको ग्रेस मिलेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इन सभी स्टूडेंट यहाँ पर सभी सब्जेक्ट में इनके 27 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इनके 27 नंबर से ज़्यादा है, लेकिन एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जहाँ पर 27 से कम नंबर रह गए हैं। यानी कि दोस्तों अगर 27 नंबर के अगर आपके आसपास नहीं आसपास हैं, जैसा कि यहाँ पर 23 और 27 में 4 नंबर का डिफरेंस है, तो 4 नंबर का डिफरेंस मानकर इनको पास कर दिया। मैंने आपको बताया 5 से 6 नंबर की यहाँ पर आपको क्या दे दी जाती है, मार्किंग दे दी जाती है और आपको यहाँ पर पास कर दिया जाता है ग्रेस में, ठीक है। अगर आपकी जो मार्किंग है पास की वो 100 नंबर से 33 नंबर पर है, ठीक है, 33 नंबर मान के चलिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरिकल के नंबर एक ही जुड़ती हैं, 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें हमें 33 नंबरों की आवश्यकता होती है। अगर आप 33 के बाउंड्री पर हैं यानी कि 29 हैं आपके, यहाँ पर 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा और लेकिन वहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, ग्रेस लिख दिया जाएगा। अब ग्रेस का क्या मतलब होता है, ग्रेस का मतलब होता है पास, इससे आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप पास हैं, ठीक है, ग्रेस का मतलब समझ में आ गया। अब दोस्तों देखेंगे हम सप्ली का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री कितने नंबरों पर आती है, पूरी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सप्लीमेंट्री तब आती है जब हम ग्रेस के आंकड़ों को पार नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो ग्रेस की सीमा होती है, ग्रेस नंबर की जो सीमा होती है, अगर हम उसमें अंदर नहीं आ पाते हैं तो हमें फेल कर जो कि सप्लीमेंट्री दे दी जाती है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा 100 नंबर का पेपर होता है तो वहाँ पर हमें 33 नंबर की पास की आवश्यकता होती है और यहाँ पर देखिए 33 नंबर इनके नहीं आ पा रहे हैं, जब 33 नंबर इनके नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, तो फिर क्या होगा ना दोस्तों, यहाँ पर इनको जो कि सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी, ठीक है। ग्रेस के बाद में जो दिया जाता है वो दिया जाता है सप्ली। ग्रेस कितनी नंबर तक दी जाती है, 5 नंबर, यानी कि अगर 100 में से 33 में पास होने की आवश्यकता है तो यहाँ पर 29, 30, 31, 32 तक दे दी जाती है, लेकिन आप 27, 26, 25, 24, 23, 22 तक अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपको क्या दी जाएगी, फिर आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, आप फेल नहीं होते हैं और ना ही आप पास होते हैं, ठीक है, ना ही आप फेल होते हैं ना ही आप पास होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि फेल और पास के बीच में आप लटक जाते हैं और जब लटक जाते हैं तो क्या होता है, फिर हमें इसका एग्ज़ाम देना होता है। अब यहाँ पर हमें जो एग्ज़ाम देना होता है वो हमें सभी सब्जेक्ट का नहीं देना होता है, जिस सब्जेक्ट में हमारी सप्लीमेंट्री आती है
केवल हमें उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम देना होता है और किसी भी सब्जेक्ट का हमें यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना होता है, ठीक है। जब हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो सप्लीमेंट्री हट जाती है और हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है, तो ठीक है। ग्रेस के बाद में क्या होता है? पास। अब हम देखेंगे दोस्तों कि फेल कितने नंबरों पर होते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रेस की 5 नंबर की मार्किंग होती है। यहाँ पर अगर 5 के अगर नीचे चले जाते हैं तो फिर अगर जब नीचे चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? सप्लीमेंट्री आ जाती है। लेकिन दोस्तों जब हम ग्रेस की भी सीमा में नहीं आ पाते हैं, सप्लीमेंट्री की भी सीमा में नहीं आ पाते हैं, तो फिर हम किस सीमा में आ जाते हैं? फेल में आ जाते हैं। फिर हमें उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है। यानी कि 100 में से 33 नंबर की मार्किंग होती है हमारी, तो 33 नंबर में से अगर हमारे 22, 21, 20, 19 इस तरह से अगर हमारे नंबर आते हैं, यानी कि अगर हम कहें 22, 21 से कम आते हैं, तो फिर हमें फेल की श्रेणी में रख दिया जाता है। जब हमारे नंबर 22 से लेकर के 29 तक आते हैं तो सप्लीमेंट्री, और 29 से लेकर 32 तक आते हैं, या अगर हम कहें 28 से लेकर 32 तक आते हैं, तो फिर हमें क्या दिया जाता है? फिर हमें ग्रेस दिया जाता है। चलिए मैं फेल का भी एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट का मैंने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया, इसके संस्कृत में आए हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में इनके नंबर आए हैं 18, ठीक है। इंग्लिश में इनके नंबर आए हैं यहाँ पर 18, यहाँ पर आए हैं 214 प्रैक्टिकल में। मैंने आपको बताया कि जब प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग अलग होता है तो फिर हम इसमें 27 नंबर, और इसमें हम कितना लेते हैं? इसमें हम लेते हैं 7 नंबर, ठीक है। यानी कि 27 नंबर मिनिमम आने चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल में 7 आने चाहिए। लेकिन अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, तो फिर 33 नंबर से हम डिवाइडेशन करते हैं, यानी कि 33 की मार्किंग रखते हैं। अब 27 में देखिए, यहाँ पर 4 नंबर की हमें ग्रेस मिल जाती है। 27 में से 4 गए हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 23 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 नंबर की हमें सप्लीमेंट्री मिलती है, 23 में से 4 गए 19 नंबर तक। अगर आप 19 नंबर तक हमें सप्लीमेंट्री मिलती है, अगर हम 19 से नीचे चले जाते हैं तो फिर हमें फेल कर दिया जाता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 18 नंबर पर इनको फेल कर दिया है। लेकिन अगर आप 33 की मार्किंग है आपकी, यानी कि 33 में आपको, तो 33 का क्या होता है फिर? 33 का क्या होता है? 33 के 4 नंबर तक, यानी कि 29 नंबर हम मानेंगे, यहाँ पर 28 भी मान सकते हैं आप, 28 से लेकर अगर 28 तक आ रहे हैं, 28 32 के बीच में, तो आपको ग्रेस दे दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर कहें 22 से लेकर 28 के बीच में आ रहे हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी, या 23 से 28 के बीच में सप्लीमेंट्री। अगर आपके 22 23 से कम आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है ग्रेस, सप्लीमेंट्री और फेल की, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है आपको। तो वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया आपने, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।